एम भैया, आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? प्रेम भैया, प्रेम भैया। मैं प्रेम कुमार, नगर निगम क्षेत्र संख्या 19 से मैं वार्ड पार्षद पद पे खड़ा हूँ जी। और मैं जनता भगवान से यही अपील करना चाहूँगा कि पीछे जो हमने काम किया जनता के लिए, आगे भी मैं उन पर खड़ा उतरूँगा। और हम जनता से यही कहेंगे जो कि 13 नंबर क्रम संख्या पे बाल्टी छाप मेरा है, क्रम संख्या 13 पे, उस पर नीला बटन दबा के भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। और आगे जनता को जहां भी हमें खोजेंगे वहां मैं मिलूंगा। और आगे जो भी विकास का काम होगा, जो अधूरा बच गया है उसको पूरा करने का काम करूंगा। युवा बेरोजगार हैं, किसी बैंक के द्वारा कंसल्ट करके युवाओं को लोन शिविर लगाने का काम करूंगा और लोन दिलाने का काम करूंगा, ताकि युवा अपना कुछ बिजनेस प्लान कर सकें और अपना धंधा व्यवसाय चला सकें और उसकी बेरोज़गारी जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। काम तो बहुत सारा किया हूँ, इतना काम किया हूँ जो ध्यान में नहीं। जैसे काम तो पीछे जैसे कई जगहों पर चबूतरा निर्माण, बहुत सारा कार्य किया हूँ, बहुत नई नई सड़कें बनवाया हूँ। और आगे भी सामाजिक संस्था से जुड़ा रहता हूं और आगे काम करता हूं। और आगे का यही है, जो अभी नगर निगम क्षेत्र संख्या वार्ड 19 से मैं प्रत्याशी हूं जी। पिछले बार मेरी पत्नी थी मुखिया, जो निवर्तमान हो गई, अब आगे मैं हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कहीं जल जमाव की समस्या ना हो, कहीं जहां नाला हमने बनवा दिया है उसको स्रोतों से जोड़ने का काम करूँगा। गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर नगर निगम। समस्तीपुर नगर निगम वार्ड संख्या 19 से उम्मीदवारी दिया है प्रेम कुमार जी ने। प्रेम कुमार जी की बात करें तो ये पहले से भी सामाजिक कार्य करता है और इनकी धर्मपत्नी शालिनी देवी जी निवर्तमान मुखिया रह चुकी है जितवारपुर निजामत की। यह क्षेत्र पहले ग्रामीण क्षेत्र था, यहाँ पंचायत चुनाव होते थे, अब यह क्षेत्र समस्तीपुर नगर निगम हो गया है और समस्तीपुर नगर निगम में वार्डों का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर वार्ड संख्या 19 है। और प्रेम कुमार जी की बात करें तो लगभग 20 वर्षों से सामाजिक कार्य करता हैं, जनता के सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। प्रेम जी का मानना है कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म के साथ मैं निरंतर आगे बढ़ते आ रहा हूं। अब बात करेंगे प्रेम जी से। प्रेम जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है जी। धन्यवाद प्रेम जी। आप सामाजिक कार्य करता हैं, आपकी मैडम भी मुखिया रही हैं, आप प्रतिनिधि रहे हैं, तो बहुत सारे काम आपने समाज में किए हैं, तो पहले उन कुछ कामों का उल्लेख करें। कामों के उल्लेख के बारे में हम यही कहना चाहेंगे जी, जहाँ पे सड़क नहीं थी जी, जो 20 वर्षों से विवादित थी कई टोलों में, वहाँ जाके हम खड़ा होकर अब सड़क बनवाएं जी। बहुत लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी बावजूद भी हम अटल रहे और सड़क बनाने का काम किया। आज हमारे पंचायत में कहीं भी खरंजा सड़क नहीं है, सभी पीसीसी हैं और पीसीसी ज़्यादातर पीसीसी सड़क बनाने का काम किया, नई सड़क का भी काम किया, जहाँ जहाँ नई सड़क का बनाना था खरंजा उसको बनाने का काम किया। कई लोगों का वृद्धा पेंशन, कई लोगों का इंदिरा आवास, ये सब दिलवाने का काम किया हूँ। और बहुत सारा नाला, नल जल, सभी तरह के कामों का मैं काम करने में प्रेरित रहा हूं और कर रहा हूं। नीतीश कुमार के सपनों को ये निरंतर आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें 7 निश्चय योजनाएं, जो सरकार की सबसे बड़ी योजनाएं रहीं आज तक की, उन योजनाओं को भली भांति लाभुकों तक इन्होंने पहुंचाने का काम किया है। नल जल योजनाओं का काम किया है इन्होंने, इंदिरा आवास का काम किया है, विधवा पेंशन का काम किया है। खैर, इनके लिए कहना चाहूँगा कि पिछली कहानियाँ लाजवाब है और आँखों में एक नया ख्वाब है। आँखों में एक नया ख्वाब लिए समाज के नव निर्माण के लिए, वार्डों के नव निर्माण के लिए प्रेम कुमार जी अग्रसर हैं। सर, आप बात करेंगे आपके सपनों की, चूँकि ये तो रहे आपके पुराने काम जो काफ़ी लाजवाब हैं, अब आपके जो सपने हैं उन पर एक प्रकाश डालें।
काम तो बहुत सारा किया हूँ, इतना काम किया हूँ जो ध्यान में नहीं। जैसे काम तो पीछे जैसे कई जगहों पर चबूतरा निर्माण बहुत सारा कार्य किया हूँ, बहुत नई नई सड़कें बनवाया हूँ और आगे भी सामाजिक संस्था से जुड़ा रहता हूँ और आगे काम करता हूँ। और आगे का यही है, जो अभी नगर निगम क्षेत्र संख्या वार्ड 19 से मैं प्रत्याशी हूँ। पिछले बार मेरी पत्नी थी मुखिया, जो निवर्तमान हो गई, अब आगे मैं हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कहीं जल जमाव की समस्या ना हो, कहीं जहाँ नाला हमने बनवा दिया है उसको स्रोतों से जोड़ने का काम करूँगा। प्रेम कुमार जी लगातार गांधी के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने नीतीश कुमार के सपनों को बखूबी आगे बढ़ाया है, सात निश्चय जैसी योजनाओं का भली भांति उन लोगों तक पहुंचाया है जो सही में एक्चुअल में उनके लाभुक हैं। आज इनके प्रति लोगों में एक खुशी का माहौल व्याप्त है। अब बात करेंगे प्रेम जी से कि प्रेम जी, पिछली कहानियाँ लाजवाब है और आँखों में एक नया ख्वाब है। इन ख्वाबों को लेकर समाज को एक फिर नई दिशा देने का जो काम कर रहे हैं, तो क्या जो आगे के सपने हैं उनको थोड़ा सा बताएंगे। आगे हम यही करेंगे, जो जल जमाव की जो समस्या है जी, उससे हम निजात दिलवाएंगे जी, इस वार्ड 19 को। स्वास्थ्य सुविधा यहाँ ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था अच्छी करवाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाएंगे और पहल करेंगे ताकि लोग साक्षर हो सकें। और आगे भी जो जहाँ तक हो, जिस भी समस्या का निदान हो, हम करने का काम करेंगे और आगे अच्छी विकास, रोड, लाइट, सड़क, जो जहाँ थोड़ा भी त्रुटि है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे आगे। बहुत अच्छा। आपके युवाओं की एक टोली है, ऐसे में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा समस्या का विषय है कि युवा आज नशा पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में उन युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे और उनको रोजगार के अवसर से कैसे जोड़ेंगे, उनकी पलायन की स्थिति में कैसे कमी आएगी? देखिए, छोटे मोटे प्रतिनिधि होने के नाते वार्ड पार्षद पद पे खड़ा रहूँगा तो मेरे पास तो रोजगार की नहीं होगी, मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हम यही कहना चाहूँगा कि युवा बेरोजगार हैं, किसी बैंक के द्वारा कंसल्ट करके युवाओं को लोन शिविर लगाने का काम करूंगा और लोन दिलाने का काम करूंगा ताकि युवा अपना कुछ बिजनेस प्लान कर सकें और अपना धंधा व्यवसाय चला सकें और उनकी बेरोजगारी जल्द से जल्द खत्म हो सके।